ब्रांड है देखिए मेरा मेकअप लुक, मतलब फेस पैक लुक आप लोग के सामने है। बहुत दिनों के बाद ऐसे फेस पैक लगा के आ रही हूँ, पता नहीं कितने सालों के बाद। तो अभी तो मैंने इसको लगा लिया, नीम फेस पैक है ये, और फिर इसको वॉश करूँगी, उसके बाद आप लोग से फिर मिलूँगी और अपने स्किन को दिखाऊँगी कितना इसमें शाइनिंग आया हुआ है। अभी इसको हम 20-25 मिनट छोड़ने वाले हैं, अभी मुश्किल से 2-3 मिनट बीता हुआ है और मैंने बुला के स्टार्ट कर दिया। रात को देखिए बजने वाले हैं 11, तो तीज की तैयारियां चल रही हैं और साथ साथ में ये भी चल रहा है, मतलब ये सब कुछ भी तीज की तैयारियों के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों से 20 मिनट बाद मिलती हूँ और अपने फेस पर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना ग्लो किया है इसको लगाने के बाद। और इधर नहीं, इनको नहीं दिखाना है, इन्होंने मना किया हुआ है आज, इनको आज नहीं दिखाना है। तो आज मैं ही सिर्फ आप लोग के सामने आने वाली हूँ। और गई थी आज मार्केट में फिर से पार्लर घूमने के लिए। आप लोगों को भी पता होगा कि तीज पे औरतें पार्लर क्यों जाती हैं, घूमने के लिए जाती हैं। बस पार्लर घूम के आई हूँ, फेस पैक लगाई हूँ और 20 मिनट बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड देखिए, मेरा फेस पैक हटाने के बाद हमारा फेस जो कि बिना फिल्टर है, विदाउट फिल्टर है, और मैंने कोई मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया हुआ है। ऐसे ही मैं बस फेस को धोई हुई हूँ, कपड़े चेंज किए, उसके बाद आप लोग के सामने आई हुई हूँ। तो इसको भी दिखाना ज़रूरी था, और ओरिजिनल फेस में कोई फिल्टर नहीं यूज करने वाली हूँ। तो मुझे तो कोई रिस्पॉन्स समझ में नहीं आया है इसका। हाँ, बस इतना समझ में आ रहा है कि इसको हटाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, नींद जो है अच्छी आएगी, और जैसे हल्का हल्का सा महसूस होता है ना कि फेस एकदम हल्का हो गया है, आराम से नींद आ जाएगी, बिल्कुल वैसा वाला है जैसे मसाज करवा लो आप फेस की और आपको एकदम रिलैक्स महसूस होता है, बस वैसा ही लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो मुझे ग्लोइंग और क्या है वे बोलते हैं वैसा मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि जो फेस है वो एकदम रिलैक्स हो चुका है। और मैं जब भी सोना चाहूँगी, चाहे अभी सो जाओ, चाहे 10 मिनट बाद सोऊँ, चाहे 1 घंटे बाद सोऊँ, लेकिन 1 घंटा तक मैं जाग नहीं सकती क्योंकि नींद मुझे बहुत तेज़ी से आ रही है। तो मैं जब भी सोना चाहूँगी मुझे तुरंत नींद आ जाएगी, एकदम रिलैक्स सा फील हो रहा है इसको लगाने के बाद, हमारा जो फेस पैक है उसको लगाने के बाद। और फ्रेंड मैं चलिए आप लोग के साथ थोड़ी कुछ बातें भी कर लेती हूँ। तो बातें मैं नहीं चाहती कि मैं करूँ, पर मजबूर कर दिया जाता है कभी कभी मुझे करने के लिए। तो कैसे कैसे लोग होते हैं जी दुनिया में, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कैसे लोग हैं, किस टाइप के लोग, मैं बोलूँ इनको किस टाइप के लोग। तो देखिए, इंसान तो मैं भी हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, मैं भगवान थोड़ी हूँ कि मैं आई हूँ पूरे ऊपर से नीचे सत्यवादी बनी हुई हूँ, मुझसे ज़रा से भी गलती नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ है मेरे अंदर, मैं कोई भी गलती करती हूँ तो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं अरे मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैं ऐसा नहीं करती। हाँ, और ये भी होता है मुझे जब भी गुस्सा आता है जिस इंसान के ऊपर आता है, चाहे कोई भी सामने हो, मैं अपने दिल की जो भी बातें होती हूँ, जिसके लिए लेकर मैं गुस्सा हुई होती हूँ, वो सारे बातें वहीं पर निकाल कर रख देती हूँ, बाद में मैं पछताती भी हूँ। और पता नहीं मेरा दिमाग किसके ऊपर गया है, मैं क्या बताऊँ कि किसके ऊपर गया है, कैसे गया है। मुझे छड़पट के लिए जितने भी गुस्से आता है, मैं जो भी बातें मन में होती है जिसके प्रति को लेकर, या फिर अगला जो भी मेरे साथ किया होता है उनको लेकर, मैं सारी बातें उस इंसान के सामने रखती हूँ। मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं कि हाँ मैं आपके बारे में बुराई उनसे करते फिरूँ, उनसे करते फिरी करते फिरूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर नहीं। मेरे अगर आप बुरे इंसान हो तो मैं आपको आपके सामने ही बोल दूँगी, आप उसके बारे में जो जवाब देना आप मुझे दीजिए। भाई मैं हो सकता है मैं भी बुरी हो सकती हूँ, अगर मैं आपको बुरा कह रही हूँ तो आप मुझे बुरा बना ही सकते हो, आराम से बना सकते हो। अगर गलतियाँ कमियाँ होगी तो ज़रूर बताओगी मेरे लिए, लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं आपकी बुराई तीसरे चौथे पाँचवें से करूँ तो ये मेरे अंदर नहीं, ये चीज़ें आपके अंदर हो सकती है, आप कर सकते हो ये चीज़ें, पर मेरे अंदर नहीं। मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो शर्म आ रही है बोलते हुए भी। अब मैं अपने बच्चों को ही ले लेती हूँ, चलिए अब मैं जिन बच्चों को पाल पोस के बड़े कर रही हूँ वही बच्चे कल को मुझे गाली देंगे तो कैसा लगेगा, या तो मैं उन्हें थप्पड़ मारूँगी या फिर मैं क्या बोलूँ कि मैं उनको उनके साथ मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किस तरह का बिहेव। अच्छा आप ही लोग बताइएगा कि आप लोग के बच्चे हैं, अगर आप उनको पाल पोस के बड़े करते हो या फिर उनको संस्कार अच्छे देते हो और वो आपको गालियाँ देना स्टार्ट कर, और गालियाँ ऐसी थे जो आप मतलब एक्सेप्ट भी नहीं किए रहेंगे कि वैसी गालियाँ आपको सुनने को मिल सकती है, उस तरह की गालियाँ मिले, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करना चाहोगे। तो बस कुछ ऐसी चीज़ें मेरे जिस बच्चे को मैं अपने सामने पलता बढ़ता देख रही हूँ और जिससे मैंने कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि वो इंसान ऐसा करेगा, इंसान नहीं मैं बच्चा बोलूँगी, वो बच्चा ऐसा कर सकता, उस बच्चे ने मुझे गाली दिलाई है, बताइए
अब मैं उसको क्या बोलूँ, इस चीज़ को मैं क्या बोल सकती हूँ, अब इनको मैं सुधारूँ या डांट लगाऊँ या यहाँ वहाँ कहूँ, क्या कहूँ। मैं कैमरे के सामने बार बार नहीं आना चाहती हूँ, कोई चीज़ें नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे साथ जब होती है तो मुझे आना पड़ता है, कहना पड़ता है। मैं कोई चीज़ भी देखी कैमरे के पीछे रखना चाहती हूँ। मैं कैमरे के सामने डेली ब्लॉग का मतलब है, मैं क्या बना रही हूँ, क्या खा रही हूँ, बच्चे कब जागते हैं कब सोते हैं, मैं कहाँ घूमने जा रही हूँ, कोई नई नई चीज़ें मैं करती हूँ तो मैं वो चीज़ लाना चाहती हूँ। और एक घर में जो तमाशे होते हैं, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, अगले ने अगले को मारा पीटा, अगले ने अगले को वो किया, तो मैं वहाँ पे गई तो मैंने वो देखा, मैंने उसके सास के साथ उसका लड़ाई देखा, मैं उसकी बहू के साथ उसकी झगड़े देखी। तो ये सब चीज़ें मैं कैमरे पर करने के लिए नहीं आती हूँ। मैं कैमरे पर साफ़ सुथरा ब्लॉग बनाने के लिए आती हूँ, जिसमें सफाई हो और बाकी टेंशन की जो चीज़ें कैमरे के पीछे होती रहती है तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी मेरे पर बहुत सारी उंगलियाँ उठी है, मेरे संस्कार को भी गंदा बताया गया है कि मेरे संस्कार गंदे हैं। तो मैं एक चीज़ बस बोलना चाहती हूँ, ठीक है मेरे संस्कार गंदे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है मेरे संस्कार गंदे हैं, मेरे संस्कार गंदे हैं, मैं भी गंदी हूँ, तो गंदे लोगों से गंदे अच्छे लोगों को दूर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे मैं जितनी गंदी हूँ उतना लोग ऐसे फेविकोल की तरफ उससे चिपकना चाहते हैं। एक वो है ना कहावत है कि कीचड़ पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ आपके ही ऊपर उछलेगा, ये कहावत है। लेकिन कहावत का एक लाइन और मैं जोड़ देती हूँ कि जब कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो उसमें मिट्टी डाल के उसको दबा देना चाहिए, पाट देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो कीचड़ होता है ना बहुत घातक हो जाता है, तो पत्थर की जगह ना उस पर मिट्टी डाल देना चाहिए ताकि वो कीचड़ जड़ से ख़त्म हो जाए, ना रहेगा बाँस ना बाजेगी बाँसुरी। तो जिस तरह से लोग ये इज्जत मेरा उछाल रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं ना, तो मुझे भी अगले को रिटर्न गिफ्ट देने आता है, पर मैं ऐसा करूँगी नहीं, क्योंकि मेरे संस्कार जो है ना बहुत गंदे हैं। तो जिनके संस्कार गंदे होते हैं ना मेरे जैसे होता है, मेरे जैसे का मतलब कि मुझे किसी के वो नहीं करना है, रिटर्न गिफ्ट मुझे नहीं देना है। आपके संस्कार अच्छे हैं तो आप अच्छे अच्छे बातें जो करते रहते हैं, जो अच्छे अच्छे मेरे लिए बोला जाता है, आप लोग वो करते रहिए मेरे लिए, मुझे कोई उससे वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो एक गालियाँ मुझे मिली ना, इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा और हर्ट भी हुआ है। मैं एक्सेप्ट भी नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन हाँ वो भी हो चुका है। मेरे साथ जो जो हुआ मैं वो एक्सेप्ट की थी, मेरे साथ अब तक जो होता आ रहा है, जो हो रहा है, उसके लिए तो मैं एक्सेप्ट की थी कि वो होगा ही होगा, पर अब जो हो रहा है ना मैं उसके लिए एक्सेप्ट नहीं की थी अपने आप को कि मैं वैसी चीज़ें सुन पाऊँगी, लेकिन वो चीज़ें भी हो गई हैं। मैं तो पहले सोचती थी कि नहीं मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर मुझे चला पता चला कि नहीं मैं गलत नहीं थी, मैं सही थी। वो गालियाँ जो आई थी वो मेरे लिए मुझे ही आई थी, पर्सनली आई थी, अच्छी चीज़ है, मुझे उससे भी चले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस दुख हुआ है। मैं तो चाहूँगी कि भगवान करे कि जो गालियाँ मुझे आई हैं ना, ये गालियाँ आने वाले टाइम 4 गुना 10 गुना और तरक्की पे जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो गालियाँ मुझे पड़ी है, उस जो बच्चा गालियाँ मुझे दिया है, ये एक गालियाँ उसकी 10 गुना 100 गुना और बढ़ती जाए और तरक्की करे इस गालियों के साथ हूँ, ताकि अपना भविष्य बना सके गालियों के साथ। जैसे बोला जाता ना कि बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं आप उनको वहाँ पे भेजिए, तो मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करूँगी कि इस बच्चे को भगवान आप इसी क्षेत्र में भेजिएगा, गालियों के क्षेत्र में, ये गालियों। अच्छा ये भी बोला, एक चीज़ और है कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके फ्यूचर का निर्माण जो माँ बाप करते हैं, और उनके आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम लोग नहीं जानते, हम लोग केवल उनको रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे बच्चों का भी फ्यूचर बना चुके हैं अभी से। मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या है मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ उनको रास्ता दिखाना है कि हाँ तुमको ये फ्यूचर बनाना है अपना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन्होंने उनका फ्यूचर भी बना दिया है, मेरे बच्चे क्या निकलने वाले हैं, मेरी बेटी क्या बनने वाली है, मेरा बेटा क्या बनने वाले हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन और सबको पता है, बाकी सबको पता कि मेरे बच्चे क्या बनने वाले हैं, बस मुझे नहीं पता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने बच्चों को रेडीमेड ला दिया है, इसीलिए मुझे नहीं पता है, बाकी लोग दिल का कनेक्शन रखे हुए हैं तो उनको रिश्ता सब पता है, और मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे क्या होने वाले हैं। तो मैं बस यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करने के लिए आई थी, मैं बस यही बोलने के लिए आई थी कि आप जो भी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं उसको सुधार लीजिए, नहीं आने वाले टाइम पर आपके लिए ही हानिकारक होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। ईश्वर से मैं हमेशा प्रार्थना करूँगी कि आपका जो दिमाग है दिन दूना रात चौगुना ऐसे ही बढ़ोतरी करता रहे,
और ऐसे ही संस्कार आप भी सीखते रहिए, जैसे कि आपने गालियों के साथ अपने संस्कार को दिखाया हुआ है, उसी तरह से बढ़ाते रहिए उसको, और आगे आपकी इच्छा आपकी मर्जी। तो चलिए फ्रेंड, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लॉग को लंबा नहीं करती हूँ, पर क्या कर, कुछ ऐसी हरकतें ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हमारा ब्लॉग लंबा हो जाता है। तो हर टाइम पे देखिए, संस्कार को लेके तो हर टाइम पे मेरे पे उंगली उठती रहती है, संस्कार को लेके, मुझे लेके, मैं कैसी हूँ क्या हूँ। तो मैं एक बार ही 1000 बार एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ, मेरे से भी गलती हुई होगी, मैंने भी गलती किया, या आने वाले टाइम में भी मैं गलती कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उधर से मुझे गालियाँ बरसाया जाए। अगर मैं आपके प्रति गलत बोल रही तो आप भी मेरे प्रति गलत बोलिए, क्योंकि मैं अभद्र व्यवहार नहीं करती हूँ, तो आप भी अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते मेरे साथ, या कोई भी हो। मैं सबके लिए बातें बोल रही हूँ, पर्सनली मैं ये किसी को लेकर नहीं बोल रही हूँ कि हाँ, जो गालियाँ मुझे पड़ी है ना, उसके लिए मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने गालियाँ मेरे तरफ भिजवाई गई है, और जिस तरह से मुझे गालियाँ दी गई है मेरे बाप को, माँ बाप को लेके, मैं क्या बोलूँ। मुझे तो इस बारे में टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहिए था, पर ऐसा कर दिया गया है ना कि मुझे बात करना पड़ रहा है। तो चलिए ठीक है, जिस तरह से मुझे लेके मेरे माँ बाप को गालियाँ दी गई हैं, भगवान करे कि आपकी बुद्धि दिन दूनी चार दूनी पता नहीं क्या हो, सब बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, आपके अभद्र व्यवहार और बुरे बने, ताकि आने वाले समय में आपको समझ में आए कि आपने क्या गलतियाँ की हैं। क्योंकि मैं सुधारने जाऊँगी तो मैं बुरी बन जाऊँगी, तो मुझे सुधारना ही नहीं है। आप जो है, जैसे भगवान करे कि आपकी तरक्की और हो, 4 गुनी बढ़े, 100 गुनी बढ़े आपकी तरक्की, और आने वाले समय में आप ये संस्कार अपने परिवार वालों को भी दिखाएं। आज जैसे मुझे दिखाएं, अपने परिवार वालों को दिखाएं, ताकि तब उन लोगों को महसूस होगा कि हाँ, मेरे बच्चे ने क्या किया है। और मुझे ज़्यादा कुछ बातें नहीं करनी है। तो चलिए फ्रेंड, मैं कल नए ब्लॉग में आप लोगों से फिर मिलूँगी, और इस ब्लॉग पर इन करती हूँ। आई हूँ फ्रेंड, ये वाला भी ब्लॉग आप लोग को पसंद ही आएगा, पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, गुड नाइट।